स्टूडेंट स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर वन वेयर टू लुक फ्रॉम। लेट्स गो स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। अवर टीचर टोल्ड अस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ कार। अवर टीचर हमारे टीचर ने हमें क्या बोला कि कार का पिक्चर आप ड्रॉ करके आना। वी ऑल ड्रॉ द कार डिफरेंटली। हम सब ने अलग अलग तरीके से कार का पिक्चर बनाया। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड अवर पिक्चर टू ईच अदर। जब क्या हुआ दूसरे दिन हम सब ने हमारे पिक्चर एक दूसरे को बताया। वी वेर वेरी एक्साइटेड। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। बट क्या हुआ अंशुल ने लाफिंग करना स्टार्ट किया। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार। उसने क्या किया उसने धीरज का कार का जो ड्राइंग था वो दिखा और बहुत हंसने लगा। अंशुल सेड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स कैप्ट इन अ बिगर वन। अंशुल ने क्या बोला कि ये आपका पिक्चर है वो स्मॉल बॉक्स बिग बॉक्स है इसके अंदर स्मॉल बॉक्स रखा हो ऐसा आपका कार का पिक्चर लग रहा है। देन अंशुल सो ही टू धीरज। देन अंशुल ने क्या किया धीरज को अपना जो कार का पिक्चर था वो बताया। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये पिक्चर है वो अंशुल ने बनाया और ये पिक्चर आपको दिख रहा है ये पिक्चर धीरज ने बनाया। तो दोनों पिक्चर कार के ही है लेकिन हम देखने का तरीका अलग अलग होता है। सो बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सेम कार बट द ड्रॉइंग लुक डिफरेंट। ओके दोनों ने बनाया कार का ही पिक्चर लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से देखा। धीरज ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस। ओके धीरज ने क्या बोला कि मैंने कार का पिक्चर टेरेस यानी के छत ऊपर से देखा था। तो ऊपर से आप कार देखो तो क्या दिखता है आपको टॉप से टॉप यानी के ऊपर टॉप से कार देखो तो क्या दिखता है उसके ऊपर ऊपर का जो भाग होता है वही हमें दिखता है। और अंशुल है उसने पिक्चर कहाँ से दिखा था कार का साइड में से दिखा था। तो साइड में से पिक्चर देखे तो क्या कि साइड का जो पार्ट होता है वन साइड का पार्ट होता है वो उसको दिखता है। तो इस दोनों पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये अंशुल का जो पिक्चर है तो अंशुल का पिक्चर साइड में से दिख रहा है। तो ये एक साइड का दो व्हील है दो ये कांच ये सब आपको एक साइड का पिक्चर आपको दिख रहा है। और धीरज ने कैसे देखा पिक्चर टेरेस पर से यानी कि टॉप से ऊपर से पिक्चर देखा तो उसको क्या दिख रहा है ऐसे ऊपर का पार्ट दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ को देखने का तरीका अलग अलग होता है कि वो ऊपर से देखो तो भी अलग लगती है साइड में से देखो तो भी अलग लगती है। ओके तो ये दोनों पिक्चर कार के ही है लेकिन उसके देखने का तरीका अलग अलग है। यू थिंक इज फनी ड्रॉइंग इज राइट। ओके धीरज ने जो पिक्चर बनाया वो क्या बोलता है अंशुल के ये फनी ड्रॉइंग है। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। आप अलग अलग पिक्चर अलग अलग तरीके से देख सकते हो। देखो यहाँ दो पिक्चर दिए हैं दोनों पिक्चर किसके हैं आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पिक्चर यहाँ साइड में से ये टेबल है टेबल को साइड में से देखो ये टेबल है उसको साइड में से देखो तो ऐसे लगता है। और यही पिक्चर आप ऊपर से देखो तो कैसा लगता है देखो ये पिक्चर ऊपर से देखा तो ऐसा लगता है इन साइड में से देखो तो पहला पिक्चर जैसा लगता है। तो लुक एट द पिक्चर ड्रॉ हियर हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड। तो साइड में से ऐसा दिखता है और टॉप में से टॉप यानी के ऊपर से देखो तो कैसा लगता है ऐसा लगता है। आया समझ में। तो सम पिक्चर आर ड्रॉ बिलो इमेजिंग हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ़ सीन फ्रॉम द टॉप। ओके ये पिक्चर दिए है ये सब आपको साइड का पिक्चर दिया है
दिया है चारों चार पिक्चर है, पहले आपको साइड में से दिए, अगर वो चारों पिक्चर है उसे ऊपर से देखो तो कैसा लगता है, ये नीचे ये है वो साइड व्यू है, ऊपर का ये आपको दिख रहा है ये चारों चार 1 2 3 4 चारों पिक्चर है वो साइड व्यू है, और यही अगर ऊपर से देखे तो ये टॉप व्यू है, ये चारों पिक्चर टॉप व्यू है, यानी कि ऊपर से देखे तो ये ऊपर का आपको कैसे दिखता है ये दिखा रहा है, और पहले वाली जो चारों पिक्चर है वो साइड व्यू है। तो यहाँ है अब प्रैक्टिस टाइम। अ कैट इज पाइपिंग इन टू अ क्लासरूम, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। ये कैट आपको दिख रही है, ये कैट है वो स्कूल की जो विंडो है ऊपर जो स्कूल की विंडो है वहाँ बैठी, और वहाँ से वो टीचर को फाइंड कर रही है, तो आप उसको हेल्प करेंगे। तो ये आपको इसमें कैट कहाँ है, ऊपर बैठी है, और यहाँ टीचर उसको कहाँ दिख रही है, सामने से दिख रही है, साइड व्यू से उसने देखा, तो क्या दिख रहा है ऊपर से आपको, जो टेबल है तो टेबल हम देखने की कोशिश करेंगे, तो टेबल कैसा लगता है, उसका टॉप व्यू हमें नज़र आता है। ओके, तो ऐसे ही हियर आर सम पिक्चर्स, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स इन दिस वे। तो ये पहला है, ये पहला सीडी चर स्टेयर केस, यानी कि सीडी है ये, तो ये पिक्चर साइड में से आपको, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, SIDE साइड में से। ओके, ये पिक्चर कहाँ से दिख रहा है, तो ये साइड व्यू है। बाद में ये स्टेयर केस, तो ये सीडी ही है, लेकिन ये हम बीच में खड़े हैं और वहाँ से हम देखेंगे, तो कहाँ से ये लग रहा है हमें, पहले इसमें हम लिखेंगे साइड, यहाँ लिखेंगे फ्रंट, FRONT फ्रंट, एंड ये टेबल टॉप TOP, ये टॉप से हम दिख रहे हैं, ये साइड है, ये फ्रंट है, और ये टॉप व्यू है, आया समझ में। तो ऐसे ही ये चेयर है, तो ये चेयर है, तो ये भी हम साइड में से देखें तो ऐसी लगती है, ये पेंसिल है, तो पेंसिल का टॉप से। ओके, तो ये वन साइड की बैक भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि ये पेंसिल होती है। ओके, इसकी जो आगे का भाग होता है वो नहीं, ये पीछे का भाग है, तो ये बैक भी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो इसमें, टॉप भी लिख सकते हो। ओके, और ये बस है वो साइड व्यू है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, साइड, क्योंकि साइड में से बस देखो तो ऐसी लगती है। प्रो टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट दे आर। ओके, यहाँ आपको अपनी तरीके से कोई भी थिंग्स ड्रॉ करना है और गेस करना है कि एक कैसे दिखती है, साइड में से दिखती है, टॉप में से दिखती है, या फ्रंट में से दिखती है, आया समझ में। तो ऐसे ही आपको मैं एक पिक्चर भी बाद में दिखाऊंगी कि कोई भी चीज़ हो इसको साइड में से दिखिए देखे तो कैसे लगती है, ऐसा अनदर एग्जांपल एक वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ बच्चे रंगोली बना रहे, तो यहाँ हैव यू एवर मेड अ रंगोली, यहाँ आपने कभी रंगोली बनाई है, माय फ्रेंड मीनाक्षी मैक्स ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न। ओके, ये बोल रहा है कि मेरी फ्रेंड मीनाक्षी है, वो ये मीनाक्षी है आपको दिख रही है, ये कौन है, मीनाक्षी, ये मीनाक्षी है जो ये, तो ये ब्यूटीफुल रंगोली, इसने यहाँ रंगोली बनाई है, तो ये बता रहा है कि मेरी फ्रेंड मीनाक्षी बहुत फ्लोर पैटर्न, फ्लोर यानी कि आप दिवाली में रंगोली बनाते हैं ना फ्लोर में, तो फ्लोर में उसने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। बाद में रंगोली मीनाक्षी क्या बोल रही है, आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु। ओके, वी मेक कॉलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। ओके, उसने रंगोली कैसे बनाई है, वो डॉट्स होते हैं, डॉट्स का यूज़ करके उसने अलग अलग तरीके से रंगोली बनाई है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स, टू एग्जाम्पल हैव बीन ड्रो हियर। ओके, यहाँ टू एग्जाम्पल दिए है, जैसे यहाँ रंगोली बनाई ऐसे ही सेम पैटर्न की रंगोली आपको बनानी है, जैसे कि ये पहली रंगोली है,
तो यहाँ आपको डॉट्स को यूज़ करके ऐसे 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 रंगोली बनानी है। ये समझ में, तो ऐसे मैं आपको वीडियो के द्वारा भी समझाऊंगी कि कैसे ये ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, तो आपको ऐसे जैसे यहाँ है ऐसे ही आपको ये ऊपर ये भी बनानी है। तो ये डॉट्स यूज़ करके पहले ऐसे स्क्वायर बनाया, उसके बाद यहाँ से ट्रायंगल बनाया ये डॉट्स यूज़ करके, ये समझ में। तो ऐसे आपको मैं वीडियो के द्वारा ये भी समझाऊंगी। मेक अदर पैटर्न्स योर सेल्फ। तो यहाँ कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नोट। तो यहाँ आपको लाइन्स की तरह से यहाँ जैसे ऐसे रंगोली बनाई, यहाँ आपको स्पेस दी गई है, ऐसे इसमें से रंगोली करना आप डॉट की मदद से सीखो। तो ऐसे ही यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो द ड्रॉ योर ओवन डिज़ाइन एंड शेप। तो यहाँ जैसे है शेप, ये शेप आपको ड्रॉ करके कंप्लीट करने है। तो ये क्या बन गया, दो साइड ये सेम और दो साइड ये रेक्टेंगल बन गया, ये समझ में। ऐसे ही ये ट्रायंगल बन गया, ये शेप क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ऐसे ही ये आपको वापस ये रेक्टेंगल बन गया, ये समझ में। ये क्या बना, स्क्वायर बना, ये भी स्क्वायर बना। तो ऐसे डॉट की मदद से आपको रंगोली बनाना सीखना है। ऐसे ही अलग अलग दूसरे वीडियो है, वो मैं आपको वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू। दीज आर पिक्चर्स ऑफ हाउ आई लुक फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। या एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। This is how a cap looks from the front view, side view, and top view. And the book here is the same. You can look at it from the top view, or the front view, or the side view. Now, here's an image of a bus. You can do the same for the bus. You can look at it from the top, or from the front, or from the side. Do you see how all of them look different from each view? I've taken a few images of different objects. Can you guess from which side I have shot it from? So this is the picture of a dog. And this, if you guessed it, was shot from the front view. This is a picture of a car. And I'm sure you guessed this one. This one's shot from the side view. Now let's see if you can get this last one. Here's a picture of a bag. This bag is shot from the side view. Great, so let's move on. Dots and patterns. Have you seen these patterns before? These kind of patterns can be made using evenly spaced dots. Let's try and draw a few. Note that some lines in the shape are straight and some are not. All right, now let's try something else. Let's complete these figures to make squares and rectangles. Let's try and draw simple objects on this grid. Now here I'm drawing a boat. Now here we can draw a leaf this way. Now how about drawing a star now? Mirror halves. Abu, here I've drawn one half of the face of a rabbit. Can you help me complete it? Oh sure, that's so simple.
Let me place a mirror here. See, we now have a complete picture. Let's try this for a few different objects. So here I have the drawing of half an apple. Now I'm going to place a mirror by its side. Now we, with the mirror, have a complete picture of how the apple looks here. That's pretty interesting, isn't it? Okay, let's try something else. Let's try it with one. Here, I have a butterfly. Now, all these pictures can be completed using a mirror, like this. That was fun, wasn't it? Now, here, I have the image of one half of a teacup. Can we complete this picture with a mirror? No, we cannot. This image does not have two similar halves. In other words, it is not symmetrical. Let us put to use what Thank you.